नमस्कार दोस्तों, सुमीज यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान झटपट बन जाने वाले हरी मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये है हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च लिया है। इसके डंठल को तोड़कर धोकर अच्छी तरह साफ कपड़े से पोंछ लिया है और इसे ऊपर से थोड़ा सा कट कर लिया है। नीचे का पार्ट जुड़ा हुआ रखा है, आप चाहें तो पूरा भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम किया है और इसमें हरी मिर्च को डालकर 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें हल्की सी स्पॉट्स आ जाएं उतना ही हमें भूनना है और फ्लेम को मीडियम रखें ताकि छींक ना आए आपको, वरना हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत छींक आएगी। बस 2 मिनट में ही ये भूनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है और इस रेसिपी में बहुत ही कम सामान लगता है, बस मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस और नमक और हरी मिर्च। 4 इंग्रेडिएंट्स से ये बनकर फटाफट तैयार हो जाता है। आप इसे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मिर्च भून कर तैयार हो जाने के बाद उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। उसके बाद उसमें 2 चम्मच नमक भरकर डाला है मैंने और 2 मीडियम साइज़ के नींबू का रस। अगर बड़े साइज़ का नींबू ले रहे हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। आपको सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन यह ज़्यादा नहीं होता है, एडजस्ट हो जाता है लेमन जूस के साथ और हरी मिर्च के साथ, और नमक अच्छे से डला रहेगा तो अचार ख़राब नहीं होगा। और कुछ भी मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप लेमन जूस की जगह में विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर विनेगर भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था लेमन जूस तो मैंने आधा और डाला है। बस ये झटपट बनकर अचार तैयार है। अच्छी तरह मिक्स करके इसे साफ़ और सूखे हुए जार में भर कर रख लें और आप 1 महीने तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं अगर मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो, और अगर तीखी वाली मिर्च है तो 1-2 दिन के बाद ये थोड़ी कम तीखी हो जाएगी, तब आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।